साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना। इस बार भी 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। सभी गुरु भक्तों को बेसब्री से इस दिन का इंतजार रहता है। इसका महत्व इतना है कि पूरे वर्ष भर, जैसे अभी बताया है, कि अगर नहीं आ सकते हैं तो गुरु पूर्णिमा वाले दिन अगर आ करके गुरु भक्त अपने गुरु के चरणों की पाद का पूजन करते हैं, और एक बार गुरु पादुकाओं का पूजन हम करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, तो हमको साल भर कार्यों में सफलता मिलती है। मैं हर साधक भाई से प्रार्थना करूंगा कि वो आए और अपने आश्रम में आकर के अपने गुरु के दर्शन करें, पादुका के पूजन करें और पूजन करने का इसका लाभ उठाएं। तो सभी गुरु भक्तों से हाथ जोड़कर विनंती है कि इस शुभ अवसर को अपने हाथ से न जाने दें। इस बार भी 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। सभी गुरु भक्तों को बेसब्री से इस दिन का इंतजार रहता है कि गुरु पूर्णिमा कब आएगी और हम गुरुद्वार कब जाएंगे। ऐसे तो साल की 12 पूनमें होती हैं, लेकिन किसी कारण से हम किसी पूनम पर जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, लेकिन गुरु पूर्णिमा तो ऐसा अवसर है कि साधकों के लिए तो दिवाली और होली से भी बढ़कर ये अवसर मनाया जाता है, महोत्सव मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि उस दिन हमको गुरुद्वार की याद आती है, गुरु की याद आती है, गुरु के चरण कमलों की याद आती है, और हम दौड़े दौड़े गुरुद्वार पर सुबह 4 बजे से पहुँच जाते हैं, 4 बजे पादुका पूजन करते हैं। श्री पादुकाओं का पूजन ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत जी ने भी पादुकाओं का पूजन करके उसको गद्दी पर रखा राम जी की, और कैसा राज्य किया था कि आज भी भरत जी का नाम आदर सहित लिया जाता है। तो ऐसी चरण पादुकाओं का पूजन हम यदि गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर, वो भी सुबह 4 बजे आश्रम में आकर, 4-4:30 बजे अमृत वेला में आकर करते हैं, तो इतना इससे ज़्यादा पावन अवसर हमको और क्या मिल सकता है कि उस दिन हम गुरु पादुकाओं का पूजन करने आश्रम में आवें। और एक बार गुरु पादुकाओं का पूजन हम करते हैं, प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं, तो हमको साल भर कार्यों में सफलता मिलती है, हमारा साल अच्छा जाता है, हमारा दिन अच्छा जाता है, हमारा जीवन अच्छा जाता है। तो ऐसा अवसर हमको 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन मिलता है। कोई सुबह 4-4:30 बजे नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, दर्शनों की लाइन तो पूरे दिन शाम तक चलेगी, प्रसादी बांटी जाएगी और दर्शनों के लाभ मिलेंगे। तापी तट का किनारा, शिव जी का मंदिर, गौशाला यहाँ पे आश्रम में, और सबसे बड़ा संकट मोचन मैं कहूँगा बरदादा, जो कि हमारे विघ्नों को नाश करता है, रोग शोक मिटाता है, हमारी आर्थिक तंगी को मिटाता है, हमारी बीमारियों को, दुख चिंताओं को मिटाता है। गुरु भक्ति बढ़ानी हो तभी बरदादा की परिक्रमा करनी होती है। तो ऐसा बरदादा की परिक्रमा, पीपल देवता की परिक्रमा, ये सारे सुनहरे अवसर हमको गुरुद्वार पर सूरत आश्रम में 3 जुलाई को, आपके अपने सूरत आश्रम में 3 जुलाई को मिलने का सुअवसर मिल रहा है। तो सभी गुरु भक्तों से हाथ जोड़कर विनंती है कि इस शुभ सर को अपने हाथ से न जाने दें। नौकरी धंधे तो होते रहेंगे, काम धंधे तो लगे रहेंगे, जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, थोड़ा समय निकालकर प्रीति करो श्री राम से। तो ऐसा अवसर हमको गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मिल रहा है, गुरु भक्तों के लिए ये विशेष अवसर है, इस दिन आश्रम में आकर अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने जीवन को गुरुमय बनाएं। गुरु पूर्णिमा का महत्व जो है, बाकी जिस प्रकार से अन्य त्यौहार मनाए जाते हैं उसी तरह से गुरु भक्त जो हैं वो गुरु पूर्णिमा का जो है त्यौहार मनाते हैं। और अपने यहाँ ये 3 तारीख को दिन सोमवार के दिन पड़ रहा है, और उसमें सभी भक्तों को, सभी गुरु भक्तों को जो भी जुड़े हुए हैं, मैं हर साधक भाई से प्रार्थना करूँगा कि वो आए और अपने आश्रम में आकर के अपने गुरु के दर्शन करें, पादुका के पूजन करें और पूजन करने का इसका लाभ उठाएं। क्योंकि बड़दादा जहाँ साक्षात बापू का देखा जाए तो प्रत्यक्ष रूप में बापू 24 घंटे यहाँ बापू की उपस्थित रहती है। जो भी भक्त जिस अपनी मनोकामना से कोई भी मनोकामना अपने मांगना मांगता है तो उसकी यहाँ पूर्ण होती है। यहाँ कोई ये भी नहीं है, वैसे पिछले वीडियो में मैं आपको बता भी चुका हूँ कि श्रद्धा भक्ति भाव से चाहे अपना साधक हो या गैर साधक हो, कोई भी हो, अगर आकर के यहाँ परिक्रमा करता है, अपनी प्रार्थना करता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती ही होती है। इसी प्रकार से अन्य तीर्थ त्योहारों पर अपने पीपल वासा है, वहाँ का दर्शन है, ताप्ती मैया नदी है, जहाँ पर साक्षात ब्रह्म ने वही अमृत पिलाया था जो कृष्ण ने गोपिकाओं को वृंदावन में पिलाया था, और वही बापू ने हमारे तापी के तट पर सूरत में वही अमृत पिलाया था। इसका वर्णन तो अगर मैं अपने मुखारविंद से करना चाहूँ तो नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे बापू जो हैं साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा हैं।
जानिए देश की पल पल की खबर नीलेश ठक्कर के द्वारा आपके अपने साधक परिवार पर। साधक परिवार आपको दिखाए सच का आईना।